हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो बेसिकली आज अपन एक और मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड लेस्मेनिया। तो दोनों की अगर सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटी से ये दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, दोनों ही बाइनरी फिजन कर रहे हैं, ये सिमिलरिटी होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन आता तो आप बता देंगे दोनों यूनिसेलुलर और बाइनरी फिजन कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंस। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है। पहला डिफरेंस ये जो रहता है, अमीबा स्प्लिट इन टू डॉटर सेल, ये भी दो डॉटर सेल में टूटती, वो भी दो डॉटर सेल में टूटती है, इन एनी प्लेन। इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं होती, इसकी कोई डिफिनाइट ओरिएंटेशन नहीं होती कि इस ऐसे टूटेगी, कैसे भी ये टूट सकती है। टूटने का मतलब स्प्लिट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन प्रोसेस, कोई से प्लेन में ये टूट सकती है। लेकिन जो लेस्मेनिया है, इसकी एक डिफिनाइट ओरिएंटेशन है, ये जो स्प्लिट होगी तो एक डिफिनाइट ओरिएंटेशन के साथ स्प्लिट होगी। तो लिखेंगे लेस्मेनिया स्प्लिट इन डिफिनाइट ओरिएंटेशन। डिफिनाइट ओरिएंटेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर शेप देगी डॉटर सेल की, ठीक है ना, जिसकी एक डिफिनाइट शेप होगी, रेगुलर शेप होगी, ओके ना। इसकी कोई इरेगुलर शेप नहीं है, इसकी इरेगुलर शेप है और इसकी रेगुलर शेप है, ओके। तो सेकंड यही डिफरेंस हो जाएगा, इट हैज इरेगुलर शेप। कैसी शेप है इसकी, इरेगुलर शेप। और इसकी जो शेप है, इट हैज रेगुलर शेप कॉल्ड, इसको बोल देते हैं, शेप का नाम होता है बीप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, केले के छिलके की तरह दिखता है एट वन एंड, ओके, बात समझ में आया। अब इस पर कैसी शेप है, इट हैज इरेगुलर शेप, इस पर रेगुलर शेप है, उसको बोलते हैं बीप लाइक स्ट्रक्चर। इस पे जो इसके जो डॉटर सेल है स्प्लिट हो रहे हैं इन एनी प्लेन, इसके डिफिनाइट ओरिएंटेशन में ये स्प्लिट होगा, ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है, ओके, जो आपके लगभग ये दो नंबर में डिफरेंस आता है। अगर एक में आता है तो आप पहला लिख देंगे, लेकिन दो आते हैं तो दो आप डिफरेंस हैं, इसके मेन डिफरेंस हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो तो बनी रही है IUCN क्लासेस और साइंस कंजुगेट के साथ, और जो आपको डिफरेंस चाहिए वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताइए, कोशिश की जाएगी उस पर वीडियो बनाएं और आपके पास वो चीज़ पहुंच सके। थैंक यू।